सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ में लगातार दूसरे दिन तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 14 दिसंबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जो आईपीओ है 13 से 15 दिसंबर के बीच ओपन है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 780 से 796 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 796 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 18 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, दूसरे दिन तक के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो दूसरे दिन तक क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 0.09 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं एनआईए कैटेगरी में 0.50 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। लेकिन यहां पर दूसरे दिन तक अगर देखा जाए तो काफी कम सब्सक्रिप्शन है, लेकिन जनरली देखा गया है कि इन दोनों ही कैटेगरीज में पहले और दूसरे दिन काफी कम सब्सक्रिप्शन होता है। लास्ट यानी तीसरा दिन जो होता है वहां पर क्यूआईबी और एनआईए कैटेगरी में काफी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहीं रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 2.64 टाइम्स इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं एम्प्लॉय कैटेगरी में बात करें तो 1.73 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1.46 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है दूसरे दिन तक के हिसाब से देखें तो काफी कम है, लेकिन कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल देखते हैं यहां पर कितना सब्सक्रिप्शन हो पाता है। वहीं अगर बात करें यहां पर इसके प्रीमियम की तो देखिए, आज के दिन प्रीमियम 240 से 250 रुपए के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 796 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 250 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 1146 रुपए पर 1046 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है ऊपरी स्तरों से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम 320 रुपए के आसपास हुआ करता था, लेकिन ये गिरकर प्रीमियम आप देख सकते हैं 250 रुपए तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, कंपनी की बात करें तो कंपनी काफी बेहतरीन है और पिछले कुछ सालों से कंपनी ने काफी बढ़िया प्रॉफिट भी यहां पर किया है। और आपको बता दें कि ये जो कंपनी है इंडिया की सेकेंड नंबर की फार्मेसी रिटेल कंपनी है, तो ये काफी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इसका प्रीमियम लगातार गिर रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि यहाँ पर कम से कम एवरेज लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो भी आपको काफी बेहतरीन मुनाफा होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो शेयर है ये मुझे लगता है कि एवरेज लिस्टिंग गेन आपको देगा, जिस तरीके से यहाँ पर प्रीमियम चेंज हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो इन फ्यूचर इसमें काफी बढ़िया रिटर्न आने की उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर अनुमान अभी ये कहता है कि भाई यहाँ पर आपको एवरेज लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं, काफी बढ़िया शेयर है। तो देखिए, यहां पर कुछ भी करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें, क्योंकि यहां पर मैं केवल आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए यहां पर बताता हूं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।